हे गाइस, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी। और अभी एक रिसेंटली इंडेक्स आया है जिसमें बताया गया है वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है। यस, ये जापान की कोई सिटी नहीं है, टोक्यो नहीं है, न्यूयॉर्क नहीं है। तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज की लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और इंडिया में कौन सी सिटी आती है इनमें, या लीस्ट एक्सपेंसिव सिटीज में कौन सी सिटीज हैं, ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मेरे वीडियोज़ की PDF मिल जाएंगी। इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल जाए। और इसे मुझे भी अच्छा लगता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। प्लीज़, अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, और पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तो करना बनता है। चलिए बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। देखिए, रिसेंटली वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज किया गया है। इसको रिलीज कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU, ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये कई बार पूछ लिया जाता है कौन रिलीज करता है, ये पता होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। इसमें लिस्ट निकाली गई है कि जो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज हैं दुनिया भर में रहने के लिए 2021 में, अगर अभी कोई रहना चाहता है तो इस टाइम पर मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज दुनिया में कौन सी हैं, उनकी लिस्ट निकाली गई है, ठीक है। ये इंडेक्स एक्सप्लोर करता है द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन 173 सिटीज, ठीक है, 40 मोर देन लास्ट ईयर, ठीक है, जो लास्ट ईयर देखी गई थी उससे 40 ज्यादा सिटीज इसमें कवर की गई हैं, और मेजर किया गया अगेंस्ट इम्पैक्टफुल ग्लोबल इवेंट्स। ओके, अब इट स्टेटेड दैट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैव राइजन बाय 3.5% ईयर ऑन ईयर, मतलब कि साल दर साल जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस हैं वो 3.5% बढ़ रही हैं, 3.5% बढ़ रही हैं, ठीक है, जो हमें गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस है वो। हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट रहा है इन लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, महंगाई बढ़ी है लास्ट 5 ईयर्स में सबसे ज्यादा, ठीक है। अब बात आती है कि कौन सी सिटीज हैं जो सबसे ज्यादा महंगी हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी सिटी है इसराइल की, तेल अवीव, तेल अवीव जो है इसराइल की एक सिटी है, ये टॉप पर है, ये सबसे महंगी सिटी है, ठीक है। यहाँ पर जो पेरिस और सिंगापुर हैं इनसे पहले आ गई है ये तेल अवीव, और ये जो दोनों हैं वो सेकंड रैंकिंग पर, पेरिस और सिंगापुर, ठीक है, विच आर एट अ जॉइंट सेकंड रैंकिंग, ठीक है, पेरिस और सिंगापुर, तो पेरिस फ्रांस पे, सिंगापुर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ, फिफ्थ, या ये आपका थर्ड हो जाएगा अगर ये दोनों जॉइंटली सेम ही है ये, ठीक है। तो उसके बाद आता है ज्यूरिच जो स्विट्जरलैंड में है, और हांगकांग जो चाइना में है, ठीक है, ये फिर इसके बाद आते हैं। फिर आपका आता है न्यूयॉर्क और जेनेवा स्विट्जरलैंड में, कोपेनहेगन ये कहाँ पे है, ये डेनमार्क में है, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में, ओसाका जापान में, ठीक है। तो इस तरह से 9-10 कंट्रीज का आपको यहाँ पे लिस्ट दे दिए मैंने, लेकिन फर्स्ट जो है वो आपको पूछी जाती तो वो पता होना चाहिए, सेकंड थर्ड भी आपको पता हो तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। तेल अवीव की जो रैंकिंग है वो क्यों इतनी ज़्यादा आई है, ठीक है, इसकी जो नेशनल करेंसी, इसकी वजह से ये जो करेंसी है ये स्ट्रेंथन हो गई है US डॉलर से, इंक्रीज इन ग्रॉसरी एंड ट्रांसपोर्ट प्राइसेस, ठीक है। अब जो डॉलर है, हमें पता है कि US डॉलर का प्राइस ज़्यादातर कंट्रीज में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए US डॉलर यूज़ किया जाता है, अगर कोई करेंसी उससे ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है तो यहाँ की जो सेकल करेंसी है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई, उसकी प्राइस ज़्यादा हो गई है US डॉलर से, और इसी वजह से ही, ठीक है, ये जो ग्रॉसरी और ट्रांसपोर्ट प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गए, और इसी वजह से ये जो तेल अवीव है उसकी रैंक आगे बढ़ गई है, ठीक है। अब इसके अलावा इंडेक्स इज बेंचमार्क्ड अगेंस्ट द प्राइसेस ऑफ 200 एवरीडे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जो एवरीडे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो कॉस्ट होती है, 200 जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें ये इंक्लूड किए गए हैं, जो हमें ज़रूरत के लिए जो डेली रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है, उसके हिसाब से बेंचमार्क तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क में जो प्राइजेस हैं उस हिसाब से इसका बेंचमार्क किया जाता है। मींस द कंट्रीज विद करेंसी स्ट्रॉन्गर देन US डॉलर विल अपीयर हायर ऑन द लिस्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे US डॉलर चलता है, तो अब US डॉलर इन्होंने यहाँ पे बेस लाइन बना ली, ठीक है। अब उससे ज़्यादा कोई करेंसी स्ट्रॉन्गर होगी, US डॉलर से ज़्यादा
किसी की प्राइस होगी, ठीक है। जैसे कि जो हम 75 रुपए की बात करते हैं वो 1 US डॉलर है, ठीक है। अब कोई सी ऐसा 10 किसी करेंसी का 1 US डॉलर होता है, तो ये इससे स्ट्रॉन्ग करें तो यहाँ पे प्राइजेस ज्यादा हाई होंगे। जैसे US में अगर हम बात करें इंडिया के कंपैरिजन में तो ज्यादा प्राइजेस है, तो सेम इसी तरह से, तो अगर कोई करेंसी स्ट्रॉन्गर है US डॉलर से तो वहां पे प्राइजेस होंगे वो ज्यादा होंगे, ठीक है। ओके, तो वो उस लिस्ट में भी ज्यादा जाएगी, ज्यादा महंगी होगी। यूरोपियन एंड डेवलप्ड एशियन सिटीज जो है कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई द टॉप रैंकिंग, ठीक है। जो डेवलप्ड, ऑब्वियसली जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो आपकी ज्यादा टॉप पर आती हैं, तो जो भी सिटीज डेवलप्ड सिटी हैं और यूरोपियन सिटीज वो टॉप रैंकिंग में आई हैं। इसके अलावा लोअर रैंक में कौन आया है, तो मिडिल ईस्टर्न और अफ्रीकन जो सिटीज हैं उनकी रैंक नीचे आई है, और लेसर डेवलप्ड पार्ट्स हैं जो एशिया की वो भी इस लिस्ट में नीचे आए हैं। इसके अलावा तेहरान, तेहरान में 79th पोजीशन पे था पहले, अब 29th पोजीशन पर ये जंप कर गया है। क्यों जंप कर गया है, क्योंकि यहाँ पे प्राइजेस हाइक हो गए हैं ड्यू टू शॉर्टेज US सेंशन, ठीक है। तो US सेंशन लगा दिया गया था जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्राइजेस थे वो ज्यादा हो गए, और प्राइजेस ज्यादा हो गए इस वजह से इसमें महंगाई ज्यादा हो गई, और महंगाई ज्यादा हो गई तो ये ज्यादा लिस्ट में आ गया है, ठीक है। और जो डेमेस्कस है उसकी रैंक है लोएस्ट, ठीक है, वो लोएस्ट अगर हम बात करें इस रैंक में सबसे नीचे है। अगर हम नीचे से 10 रैंक की बात करें तो अहमदाबाद, इंडिया का अहमदाबाद उसमें आता है, कराची आता है, इंडिया में अहमदाबाद ही अकेला है उस रैंक पर, तो जो नीचे से 10 की रैंक है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो एशिया में आ रहा है, तो एशिया में आपका डेवलपिंग नेशन में तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है। लेसर डेवलप्ड पार्ट जो है एशिया की वो लोअर रैंक यहाँ पे मिलती है, और जो डेवलप्ड एशियन सिटीज हैं उनकी हायर रैंक आ रही है, ठीक है। और अहमदाबाद जो मैंने बताया वो सबसे नीचे की 10 में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये हमने डिस्कस किया, कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नहीं किया है तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।